दो साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर मिर्जापुर सीजन 2 23 अक्टूबर को रिलीज हो ही गया। जिस तरीके से मिर्जापुर के सीजन 1 ने ऑडियंस पर अपनी छाप छोड़ी, उसके चलते मिर्जापुर सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तो जैसा कि ऑडियंस सीजन 2 से काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उसके रिलीज होने पर पता चला कि दो तरह के मिक्स रिव्यूज आए हैं, जिनमें कुछ लोगों को लगा कि सीजन 2 में फर्स्ट सीजन के फ्लेवर की कमी है, तो कईयों के रिव्यूज थे कि ये वेब सीरीज बाकियों की तरह नॉर्मल ही है, और कहीं मिर्जापुर के डाई हार्ड फैंस को ये वाला सीजन बेहद ही खास लगा और उन्होंने जमकर हर एक कैरेक्टर को अपना ढेर सारा प्यार दिया। इन्हीं में से एक रहा कैरेक्टर जिसने गुड्डू भैया के राइट हैंड बाबर का रोल प्ले किया। उस एक्टर का नाम है आसिफ खान। इंटरनेट पर उनकी बहुत ही ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर बाबर को ट्रू फ्रेंडशिप का एक एग्जांपल बताकर उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बाबर अपनी दोस्ती के लिए जान गंवा सकता है, लेकिन उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। बाबर जैसा लॉयल फ्रेंड हमें अपने जिंदगी में चाहिए। तो चलिए जरा जानते हैं आसिफ खान की जिंदगी से जुड़े कुछ फैक्ट जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। आसिफ खान राजस्थान के एक छोटे से कस्बे निम्बाहेड़ा के रहने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां पर फिल्म रिलीज होने के 6-7 महीने के बाद वहां थिएटर्स में आती है। बस आता है तो वहां पर एक वीकली न्यूज़पेपर, और इसी वजह से वहां के लोगों को बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचने का मौका नहीं मिलता, और आसिफ खान का ड्रीम उसे साल 2011 में मुंबई ले आया। मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले जो दिक्कत आसिफ को आई वो थी मुंबई में रहने के लिए एक जगह। किसी वजह से आसिफ के प्लान की हुई जगह पर नहीं ठहर पाए और उन्होंने एक छोटी मोटी जगह का सहारा लेना पड़ा। महीने भर का खर्चा निकालने के लिए आसिफ ने कई होटल्स में वेटर तक का काम किया। वो फर्स्ट में वो काम किया तो उसके साथ फिर ये है कि सामने जो चौल है उसमें उन्होंने घूम लिया। मैंने कहा कि मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, तो वो रखते भी वहीं थे जो लड़के उनके काम करते हैं। तो फर्स्ट वहाँ से शुरुआत हुई, फिर 1-1.5 साल में रहा, मैंने अलग अलग होटल्स में जॉब किया, यहाँ पे वेस्टर्न में काम किया, और यूं ही उन्होंने 1 साल निकाल दिया। और किसी तरह उन्हें फिल्म रेडी में ढिंग चिका गाने में वीडियो में क्राउड का हिस्सा होने का मौका मिला, और ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म अग्निपथ में भी उन्हें एक क्राउड सीन ही मिल पाया। ऐसे करते करते आसिफ खान ने 1 साल निकाल दिया, और इसी बीच आसिफ खान ऑडिशन भी देते रहे, मगर रिजेक्शन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। एक बार एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें कहा कि ना तो उनका चेहरा, बॉडी लैंग्वेज और एक्टिंग तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, और उस डायरेक्टर ने आसिफ को थिएटर करने के लिए कहा। आसिफ को ये बात समझ आई और वो वापस लौट आए जयपुर, क्योंकि मुंबई की थिएटर्स की फीस ज्यादा होने के कारण जयपुर के थिएटर को ज्वाइन किया और वहां पर लगातार 5 साल थिएटर किया। एक लंबे इंतजार के बाद आसिफ ने साल 2016 में मुंबई जाने के लिए डिसाइड किया। 5 साल की मेहनत के बाद आसिफ काफी हद तक तैयार थे। ड्रीम सिटी मुंबई में एक्टिंग का काम पाना इतना आसान नहीं था, पर किसी तरह आसिफ कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बैनर्जी और अनमोल आहूजा से मिले और उनकी कास्टिंग कंपनी में कास्टिंग डायरेक्टर का काम मिल गया। जितना भी मेरा करियर जहां भी अगर थोड़ा सा इतना सा भी अगर पहुंचा है, तो मतलब मेरी फैमिली के बाद सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट किसी इंसान का अगर है मेरी ज़िंदगी में, तो वो अभिषेक बैनर्जी अनमोल आहूजा सर। और जैसा कि कहा जाता है कि टैलेंट को किसी ना किसी दिन लोग देख ही लेते हैं, और वैसा ही हुआ। कास्टिंग डायरेक्टर का काम करते करते उनके असली टैलेंट को पहचान लिया गया। एक बार डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ऑडिशन ले रहे थे और आसिफ एक्टर्स को डायलॉग बता रहे थे, और उनके डायलॉग बताने का तरीका राजकुमार गुप्ता को बहुत सही लगा, और उन्होंने अनमोल से पूछा, ये जो पीछे डायलॉग्स बता रहा है ये लड़का कौन है? तो अनमोल ने बताया कि ये मेरा असिस्टेंट है। उस पर राजकुमार ने कहा कि क्यों ना हम इस लड़के को ऑडिशन करें। उन्होंने आसिफ खान को ऑडिशन किया। पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, और 3-4 राउंड के बाद उन्होंने आसिफ खान का ऑडिशन सेलेक्ट कर लिया और उन्हें एक फिल्म में रोल देने का आइडिया आया, और इस तरह आसिफ खान को अपना पहला ब्रेक फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड से मिला। हालांकि ये फिल्म कुछ टाइम के लिए टाल दी गई थी, लेकिन बाद में आसिफ खान का रोल इस फिल्म के लिए बना रहा था। आसिफ खान ने अपने काम की सही मायनों में शुरुआत OTT प्लेटफॉर्म पर बनने वाली वेब सीरीज से शुरू किया। आसिफ खान का कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर किसी एक्टर का अनुभव नहीं देखा जाता, सिर्फ देखा जाता है कि वो कैरेक्टर के लिए फिट है या नहीं। OTT में सबसे बड़ी जो चीज है, यहाँ पे ना स्टार पावर काम नहीं करता। आप उस कैरेक्टर में फिट हैं, अगर आपका बेसिकली ये है कि आपकी स्टोरी किंग है,
आसिफ खान अपने गांव के बारे में बताते हैं कि वहां के लोग आसिफ खान से बहुत लगाव रखते हैं। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि आसिफ खान ने गांव वालों के लिए अमेज़न प्राइम का एक बहुत बड़ा बोर्ड बनवा रखा है और उसके नीचे यूजर नेम और पासवर्ड भी छपवा रखा है, जिससे कि वहां के लोग उनकी फिल्में और शो आराम से देख पाएं। आमतौर पर आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम पर रिलीज होने वाले शो के आखिरी एपिसोड में कोई ना कोई सस्पेंस छोड़ दिया जाता है। तो ये सवाल आसिफ खान से पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, तो इस पर आसिफ खान ने कहा, वो अफसाना जिसे अंजाम देना नामुमकिन हो उसे खूबसूरत मोड़ देकर सीजन 2 के लिए छोड़ देना चाहिए। वो अफसाना जिसे अंजाम देना नामुमकिन उसे खूबसूरत मोड़ देकर सीजन 2 के लिए छोड़ देना। अच्छा। आसिफ खान अब तक बड़े पर्दे पर 3 फिल्में कर चुके हैं और उनकी एक फिल्म आने वाली भी है जिसका नाम होने वाला है पगलेट। उनकी पहली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा थी, उसमें उन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए एक रिपोर्टर का रोल प्ले किया था। साल 2018 में आई फिल्म परी में उन्होंने इस्माइल कैरेक्टर का रोल प्ले किया। साल 2019 में आई फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड में उन्होंने बिट्टू सेना का रोल प्ले किया और आने वाली फिल्म पगलेट में उनके कैरेक्टर का नाम परचून होने वाला है। तो जैसा कि आसिफ खान को असली पहचान OTT प्लेटफॉर्म पर मिली है और इन्हीं 3 सालों में वो अब तक 6 वेब सीरीज कर चुके हैं, जिनमें मिर्जापुर, ह्यूमेरसली 2, जामताड़ा, पंचायत, पाताल लोक और हाल ही में रिलीज हुई मिर्जापुर सीजन 2। आसिफ खान ने साल 2018 में एक शॉर्ट फिल्म में काम किया था जिसका नाम था वैकेंसी। तो आपको बता दें कि स्काईलाइट फिल्म फेस्टिवल और वायाकॉम 18 की तरफ से उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीटेक किए हैं हम। आसिफ खान जिस मुकाम पर है वहाँ पहुँचने के लिए वो हर एक इंसान को धन्यवाद बोलना चाहते हैं जिन्होंने उनकी मदद की। अगर आपने पाताल लोक देखी है तो वहाँ पर आसिफ खान का एक न्यूड सीन था। इसके लिए आसिफ खान बताते हैं कि उस सीन को प्रिपेयर करने के लिए उनको 10 दिन का टाइम लगा था और इसके लिए उन्होंने अपनी माँ से भी इसके बारे में डिस्कस किया था। और इस पर आसिफ खान की माँ ने उन्हें कहा कि अगर ये तुम्हारे करियर के लिए सही है तो तुम्हें ये जरूर करना चाहिए। अगर आपने पाताल लोक अब तक नहीं देखी है तो हम आपको रेकमेंड करना चाहेंगे कि आपको आसिफ खान से लेकर और भी बेहतरीन कलाकारों की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और इसकी कहानी बहुत ही रोमांचित और रोंगटे खड़े करने वाली है। हमें उम्मीद है आसिफ खान जैसे निखरे हुए कलाकारों को OTT प्लेटफॉर्म से लेकर बड़ी स्क्रीन पर ऐसी ही अपनी शानदार एक्टिंग को ऑडियंस के बीच दिखाने का मौका मिलता रहेगा और ऐसे करके इंडियन सिनेमा अलग तरह के कंटेंट बनाने में सफल भी रहेगा। हमें उम्मीद है आसिफ खान की जिंदगी से जुड़े किस्से आपको पसंद आए होंगे और आगे भी इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे आगे फिर मुलाकात होगी फिर किसी उभरते हुए सितारों की फिल्मी सफर के साथ। इस वीडियो को लेकर अगर आपके कुछ भी व्यूज हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके कॉमेंट्स हमारे लिए फीडबैक के तौर पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।